Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters. Welcome to my YouTube channel, The Knowledge Bank. In this video, we will discuss a very topic about a topic which is closed yesterday, what is the buses update. Next year, what is the inter first year update, we will see that tomorrow, as usual, buses will go. Okay, बल्कि क्लियर कहना है TSRTC का. नेक्स्ट उसके बाद KU के जो एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन, क्योंकि पीर के दिन भारत बंद की वजह से काकतिया यूनिवर्सिटी के रीजन में जो भी होने वाले डिग्री BTEC LLB फिफ्थ ईयर केमिस्ट्री भाई मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन बल्कि कहा गया है. नवोदय वालों प्रवेश आने की दरखास्त, नवोदय में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे उसका प्रोसीजर भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन का. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर 30 तक ऑनलाइन दरख्वास्त कर ले सकते हैं, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है अप्रैल 30 को रहेगा बल्कि यहाँ पे कहा गया है. नेक्स्ट साथ ही साथ और क्या अपडेट है, अगर से आप इसके अलावा तफसील जानना चाहते तो वेबसाइट पे विज़िट करके देख सकते हैं. JEE अभ्यर्थुला को शानी डेजर तचको अच्छो JEE जो एस्पिरेंट्स है वो सैनिटाइजर साथ में ला सकते बल्कि कहा गया है. तो नेक्स्ट वेबसाइट में VRO के रिजल्ट बल्कि इस तरह दिया गया, VRO पोस्ट फॉलिदन वेबसाइट में रखे बल्कि TSPSC ऑफिशियल्स यहाँ पे गए हैं. अक्टूबर 21 से ओपन, तो यहाँ पे देखेंगे आप अक्टूबर 21 तक ओपन की जो डेट है, ओपन 10th या इंटर उसकी बढ़ाई गई है. ओपन स्कूल सोसाइटी SSC इंटर के एडमिशन की डेट ओपन खास करके 21 तक की गई बल्कि कहा गया. और नेक्स्ट जो इंटर के ताल्लुक से जो अभी तक अपडेट आई है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि उसका शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है एग्ज़ाम्स का, तो उसके ताल्लुक से और एक अपडेट आज दिया गया है. इंटर एग्ज़ाम्स के लिए जुमला 1800 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, और वेबसाइट लो इंटर मॉडल प्रश्न पत्र लो, और इंटर के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर से वो वेबसाइट के अंदर भी अवेलेबल बल्कि कहा गया है. तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड ईयर के बच्चों को जो प्रमोट किया गया था, अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स रखेंगे बल्कि ऑफिशियल्स का कहना है, और इसका शेड्यूल भी ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है. 1800 सेंटर्स यहाँ पर रेडी किए जा रहे बल्कि कहा गया है. अक्टूबर में eamcet सेकेंड फेज काउंसलिंग बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा, तो यहाँ पे क्लियर है कि जो सेकेंड फेज काउंसलिंग है वो अक्टूबर में रहेंगी. ऑफिशियल्स की कोशिश है, अभी तक फर्स्ट फेज में जो सीट्स अलाट करने के बाद आया कॉलेज सीटल पंदी विद सेल्फ रिपोर्टिंग भी के, और eamcet में रिमेनिंग जो बचे हुए सीट्स है मरोविड तक काउंसलिंग को और एक काउंसलिंग के लिए जो बचे हुए सीट्स को अक्टूबर 15 से पहले लोप निर्वहिंदुको ऑफिशियल्स रेडी हो रहे बल्कि कहा जा रहा है. गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंटर चदवीना, अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी अपडेट है. गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो भी बच्चे पढ़े इंटर के बच्चे बच्चों को एक गुड न्यूज़ है, इंजीनियरिंग बी फार्मेसी में सीट आई तो फीस नहीं रहेंगी बल्कि क्लियरली कहा गया है. रैंक तो संबंध में लिखा विदाउट किसी रैंक से संबंध ना रखते हुए फीस प्रभुत्व में चलिस्तुंदी, फीस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बन रही बल्कि कहा जा रहा. गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में जो भी बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, राष्ट्र प्रभुत्व स्पेशली बहुत अहम डिसीज़न यहाँ पे लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से. तो यहाँ पे इंजीनियरिंग बी फार्मेसी बी आर्क आर्किटेक्चर कोर्सेस में सीट जो भी बच्चे हासिल किए उनको पूरी फीस गवर्नमेंट ही देंगे बल्कि यहाँ पे क्लियरली कहा गया है. नेक्स्ट ओपन स्कूल की डेट हम ऑलरेडी डिस्कस किए कि उसका एडमिशन का जो डेट है एक्सटेंड हुआ है अक्टूबर 21 तक. मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा इन्फो आपको पसंद आया होगा. हैव ए ग्रेट डे. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर भी कीजिए.